कांग्रेस की सरकार को घेरने के लिए तैयार किए जा रहे खाके को लेकर कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग का पलटवार। इससे बड़ा मजा क्या हो सकता है, जब कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री थे तब अपने विकास का कोई काम नहीं किया, विकास कार्यों को रोका, रोजगार के अवसरों को बंद किया, किसानों के साथ वादा पूरा नहीं किया। ये केवल राजनीतिक शगुफा है, इन्हें जनता से उनके मुद्दों से कोई मतलब नहीं है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के कल के प्रदर्शन को लेकर बोले मंत्री सारंग, इस तरह हठधर्मिता और बचपना दिखाया ये उचित नहीं है। इस पूरे मामले में गोविंदपुरा एरिया के उद्योगपतियों ने दिक्कत होनी चाहिए थी, लेकिन वहीं कोई उद्योगपति नहीं था। राहुल गांधी के वैक्सीनेशन पर उठाए सवाल पर बोले मंत्री सारंग, राहुल गांधी जो कर रहे हैं वो किसी ने लिख कर दिया होगा, वह स्क्रिप्टेड ट्वीट करने की आदि हो गए हैं, वो अपने व्यक्तित्व में गंभीरता लाएं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ के ट्वीट पर मंत्री विश्वास सारंग का बयान, वह ऐसी कमरे में बैठकर ट्वीट कर सकते हैं, जनता के बीच जाकर सेवा नहीं कर सकते। वह एक बार भी एक व्यक्ति को कोरोना के समय मदद नहीं कर पाए, केवल ट्वीट करने से काम नहीं होता। देखिए, विभाग के स्तर पर उनसे बातचीत होगी, हमारी सरकार संवाद स्थापित करने वाली सरकार है। यदि किसी को भी कोई दिक्कत होती है तो हमारा संबंधित विभाग उससे उस वर्ग से बात करता है और बात होगी, मुझे लगता है मामला ठीक हो जाएगा। कमलनाथ ने दो ट्वीट किए, मुझे लगता है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए निश्चित रूप से सरकार में काम होना चाहिए और जनसंख्या नियंत्रण को लेकर कानूनी परिधि में ये विषय जरूर आना चाहिए। इस देश की आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हिंदुस्तान में जनसंख्या नियंत्रण हो और उसको कानून की परिधि में लाकर यदि हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ इस देश की भावी पीढ़ी को होगा। मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण होना चाहिए और उसके माध्यम से ही हम इस देश को आगे बढ़ा पाएंगे। किसी भी देश में साधन संसाधन के उपयोग की एक सीमा होती है, चाहे वो हम ज़मीन की बात करें चाहे हम पानी की बात करें। प्रकृति द्वारा प्रदत्त उपहार को कितने लोग किस स्थिति तक उपयोग करेंगे इसकी अपनी एक सीमा है और उस सीमा को यदि सीमा से कुछ आगे जाकर काम होता है तो निश्चित रूप से वो साधन संसाधन में कमी आती है। इस देश की बहुत बड़ी समस्या जनसंख्या है, इस देश की बहुत बड़ी समस्या आबादी है और निश्चित रूप से इस यदि आबादी को इस जनसंख्या पर हम नियंत्रण करेंगे तो हमारी बहुत सारी समस्याएं समाप्त होंगी। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि निश्चित रूप से जनसंख्या नियंत्रण कानून की परिधि में आना चाहिए। इलाज होगा और इसलिए व्यवस्थाएं दोनों तरह से उपलब्ध हों इसकी पूरी हम सुनिश्चित कर रहे हैं। नॉन कोविड जो बीमारियाँ हैं, नॉन कोविड पेशेंट हैं, उनका भी इलाज अब सुचारू रूप से होगा। देखिए, नियम तोड़ना, वो व्यक्ति जो इस प्रदेश का दो दो बार मुख्यमंत्री रहा हो, वो व्यक्ति जो एक राष्ट्रीय दल के महासचिव रहे हो, वो व्यक्ति जो वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हो, उनने जिस प्रकार की हठधर्मिता और बचपना दिखाया ये बहुत उचित नहीं है। वो वीडियो में आपको दिख रहा है, प्रशासकीय अधिकारियों ने उनसे निवेदन किया। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का अधिकार सबको है, परंतु हठधर्मिता और बिना मुद्दे का मुद्दा बनाकर केवल फोटो खिंचाना, फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए दिग्विजय सिंह जी ये कर रहे थे। आप यदि वीडियो उठाकर देखेंगे तो प्रशासन ने पूरी तरह उनसे निवेदन किया, स्वयं जिला मजिस्ट्रेट और DIG मौके पर पहुंचकर उनकी बात की। यदि उन्हें कहीं कोई दिक्कत थी तो उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिला। और इस पूरे मामले में जो सबसे रोचक बात है कि ये पूरा यदि आपत्ति किसी को होनी थी तो गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को या गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में जो उद्योगपति हैं उन्हें होनी थी। आप कल के प्रदर्शन में देखिए, एक भी उद्योगपति नहीं था कांग्रेस के साथ, एक भी कांग्रेस के साथ वो व्यक्ति नहीं था जिसको उस स्थान पर यदि नया उपक्रम बन रहा है तो उससे आपत्ति हो। केवल अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए दिग्विजय सिंह जी ने ये काम किया और यदि जिस प्रकल्प की वो विरोध कर रहे हैं, लघु उद्योग भारती गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में स्किल डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, वो लोगों को रोजगार देने का काम करेगी, वो उद्योगों को नए और अच्छे स्किल्ड लेबर और कर्मचारी देने का काम करेगी,
दिग्विजय सिंह जी जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो 10 साल उन्होंने एक व्यक्ति को भी रोजगार नहीं दिया, बल्कि दैनिक वेतन भोगियों को और बेरोजगार कर दिया था। वो विध्वंसकारी सोच वाले दिग्विजय सिंह किसी भी सृजन का विरोध करेंगे, ये अपेक्षित है। उन्हें मालूम है कि सृजन से जनता का लाभ होगा और वो जनता का लाभ नहीं कराना चाहते। कल का प्रदर्शन कांग्रेस की हठधर्मिता, कांग्रेस की अदूरदर्शिता, कांग्रेस का युवाओं के खिलाफ रवैया और रोजगार के सृजन के खिलाफ विध्वंस का प्रतीक है।